ऑप्शन है आपको उत्तल लेंस द्वारा सिद्ध करे कि 1/b - 1/u = 1/f। इसे सिद्ध करते हैं। आइए, एक उत्तल लेंस लिया जिसका ए बी वस्तु है, मतलब हमने एक उत्तल लेंस बना दिया जो आपको ए बी वस्तु दे दिया, एंड आप देखिएगा इसका प्रतिबिंब जो बन रहा है ए डैश बी डैश बन रहा। आप इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं, बाकी आप इतना दिखा दिए बहुत है। ठीक, अभी देखिए हमने कहा किया कि ये त्रिभुज एबीसी और ये त्रिभुज आपको जो है देखेंगे ये ए डैश बी और ये सी के साथ हमने चला, असल में ये बी डैश है। ठीक, इसमें चला मतलब ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में कुल मिला के अगर मैं दिखाऊं तो ये ए बी सी इस तरीके से दिखेगा, एंड ये देखिए ए डैश बी डैश सी, ये ए डैश बी डैश सी। अब देखिए ये दोनों को हम लोग बड़े प्यार से देखते हैं और इसे समझते हैं, देखिए किस तरीके से इसे अपन समझेंगे। आप देखेंगे कि ये देखेंगे कि ये त्रिभुज एबीसी है, हमने चला त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आपको ए डैश बी डैश सी में, हमने इसमें देखा है कि ये जो ये ए है और इसका ये ए है दोनों 90 डिग्री बोलेंगे, जी हाँ बिल्कुल आपको ये बराबर हो जाएगा, ए और ए डैश आपको बराबर हो जाएगा एंगल, बोलेंगे इसमें कोई शक नहीं है भाई बिल्कुल से, क्योंकि ये आपको समकोण होने की वजह से क्या हुआ बराबर हो गया। अब देखेंगे कि ये सी एंगल और ये इसके लिए भी, मतलब ये ए डैश बी सी और ये ए बी सी, मतलब दोनों के लिए आपको उभयनिष्ठ है, तो इसमें भी ये बराबर होगा, जिससे कि ये त्रिभुज क्या हो जाएगा समरूप हो जाएगा। कुल मिला के एंगल सी बराबर का क्या हो जाएगा एंगल सी, ये समकोण होने की मतलब उभयनिष्ठ होने की वजह से और ये समकोण होने की वजह से बराबर होगा। अगर दो एक दोनों त्रिभुज में एक एक एंगल आपका बराबर हो चुका है, एक एंगल ये एक एंगल ये एक एंगल ये एक एंगल, तो आपस में बराबर होने की वजह से क्या होगा त्रिभुज समरूप हो जाएगा। दिस इज मैथमेटिक्स, हम लोग मैथमेटिक्स में ये पढ़ते हैं। अब देखिए, अब अगर ये समरूप है तो ये ए बी बट्टा का ए डैश बी डैश और ये आपका ए सी बट्टा का सी ए डैश, ये वाला एंगल के साथ सी ए डैश मतलब आधार बट्टा का आधार, लंब बट्टा का लंब, इक्वेशन वन। फिर हमने चला त्रिभुज आपको देखेंगे सी डी एफ टू, बोलेंगे सी डी एफ टू कहाँ है, देखिए ये सी है ये डी है ये एफ टू, एक त्रिभुज ये बना जो मैंने यहाँ करके दिखाया, और एक त्रिभुज जो है एफ टू ए डैश बी, एफ टू ए डैश बी, ये जो है एफ टू ए डैश बी। अब इसमें भी ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ये 90 डिग्री की वजह से बराबर होगा, इसमें भी त्रिभुज क्या होगा समरूप हो जाएगा सेम ऊपर वाले कंडीशन के अनुसार। ठीक, हाँ जी, तो आप यहाँ पर आप चाहे तो वो चीज दिखा सकते हैं, मैंने शॉर्टकट में डायरेक्ट दिखा दिया। ठीक है, मतलब ये लंब बट्टा का लंब सी डी बट्टा का आप ए डैश बी डैश बोलिएगा, ये एफ टू ए डैश और ये सी एफ टू मतलब सी एफ टू बट्टा का एफ टू ए डैश हो गया। अब देखो इससे हमारा इक्वेशन ये मिला। अब देखेंगे कि ये जो सी डी है ना बराबर ए बी के, बोलेंगे सर हम नहीं मानते कैसे, देखो ये जो सी डी है बोलेंगे ओके, देखिए ये ए बी जितना बड़का उतना बड़का सी डी, दोनों आपस में क्या होगा बराबर का रिश्ता है, मैंने यहाँ पे इनको बराबर कर दिया और ये सी डी की जगह पे ए बी कर दिया, देखो यहाँ पर भी ए बी और यहां पर भी ए बी ए डैश बी डैश, मतलब दोनों एक ही वैल्यू ना, मान लो समीकरण एक समीकरण दो से ये बुधनी वाले का वैल्यू यहां पर डाल दिए, मतलब दोनों बराबर है, मान लो ना इस वाले पॉइंट की जगह पे ये वैल्यू डाल दिए या फिर इस वाले पॉइंट की जगह पे ये वैल्यू डाल दो, बतवा सेम है, बोलेंगे हाँ जी ये तो बिल्कुल सेम है। अब हमारे पास जो आया इनके जगह पे समीकरण एक और दूसरे जब चला तो ये ए सी बट्टा क्या होगा, ये भाई साहब के बराबर ए सी बट्टा सी ए डैश, ओके जी। अब इसमें हम लोग आगे क्या देख सकते हैं, समीकरण एक और दो से अब ये देख लिया अपन, देखो अब हमको जो है आपको जो है आपको देखना ये है कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी को कांच से डिनोट करते हैं यू से, देखिए आपका एसी जो होगा वस्तु दूरी हो जाएगा, मतलब देखिए अब साइन कन्वर्सेशन से क्या होगा, इधर आपका नेगेटिव और यहां से ये वाला पॉजिटिव, इधर सब पॉजिटिव इधर सब नेगेटिव, इसलिए एसी आपका माइनस यू। प्रतिबिंब दूरी आपको सी ए डैश, देख लीजिए ये सी और ए डैश प्रतिबिंब दूरी, उसी प्रकार से हम लोग फोकस दूरी ले लेंगे, बोलेंगे जी सर उसी प्रकार से आपको क्या होगा, आर की बात करें तो यहाँ पर तो आप वृत्त केंद्र की तो जरूरत नहीं पड़ेगा, वृत्त त्रिज्या की तो आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक एफ टू डैश था, ये पता हो गया, ये पता हो गया, सी एफ टू पता हो गया, अब एफ टू ए डैश है, एफ टू ए डैश का मतलब देख लो ये एफ टू और ये डैश कुल मिला के आपको जो है ये सी ए डैश में से सी एफ टू को घटा देंगे तो एफ टू ए डैश मिल जाएगा, बोलेंगे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे भाई साहब, ये हो गया सी ए डैश का जो वैल्यू हमारे पास भी है भी डाल दिया, सी एफ टू की जगह पे एफ है तो एफ डाल दिया, कुल मिला के एफ टू ए डैश बराबर भी माइनस का एफ आ गया, ये जो आपका वैल्यू आ गया इनकी कहानी हिट हो चुकी है, बोलेंगे ओके जी। अब देखिए आगे हमने हमारे पास जो है समीकरण तीन, इसमें ये वैल्यू पुट कर दिया, एसी के जगह पे हमने यू डाल दिया, सी ए के जगह पे हमने बी डाल दिया, सी ए डैश जो था सी एफ टू के जगह पे आपको एफ, और ये देखिए एफ टू ए डैश था ना, मैंने एफ टू ए डैश के जगह पे बी माइनस का एफ डाल दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस भाई को इससे मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन, तो बी ए बराबर हमारे पास ये मल्टीप्लाई किया ये प्लस हो गया,
बोलेंगे। ओके जी, कुल मिला के आपका भी ये बराबर, आप देखो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, अभी वापस सेम टू सेम है बोलेंगे। ओके, यहाँ पर देखो ये प्लस वाले को माइनस वाले को इधर लाया तो प्लस हो गया। ओके जी, दोनों तरफ हमने यूबी से भाग दे दिया, यूबीएफ से, तो इसके बट्टा में भी, इसके बट्टा में भी, इसके बट्टा में भी, यूएफ यूएफ कैंसिल, बीएफ बीएफ कैंसिल, यूबी यूबी कैंसिल, कुल मिला के इधर वन बट्टा एफ, वन बट्टा भी, और ये वन बट्टा यू। यही तो हमारा लेंथ सूत्र है जो आपका क्या हुआ, सिद्ध हो गया। तो आज हमने देखा कि ये 5 मिनट में लेंथ सूत्र को अपन क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है? तो